ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो नए हैं, अभी ज्वाइन करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। काफ़ी बार मेरे को ये मैसेज आ जाता है, इसलिए इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको सभी को इसके बारे में पता ही होता है, या जिसने ज्वाइनिंग कर ली है उसको भी पता ही है ना, लेकिन उन लोगों को नहीं पता होता जो अभी ज्वाइन करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो जिनके साथ वो ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आई एम श्योर कि वहाँ से पता तो चली जाती है, लेकिन फिर भी कई बार आप लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वैसे बड़ा सिंपल वीडियो है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है इस वीडियो में। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होती हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करना है, तो चलिए जल्दी से कवर करते हैं इसको। सबसे पहले तो आपकी एज जो है मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आप 18 ईयर्स प्लस होने चाहिए अगर आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ज्वाइन करना है। तो एजुकेशन कोई मैटर नहीं करती है, आप कितना भी पढ़े हो कोई मैटर नहीं करता इससे। डॉक्यूमेंट्स में अगर बात करूँ तो आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड मैंडेटरी है ज्वाइनिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसके साथ साथ आपको चाहिए होता है आधार कार्ड या कोई भी प्रूफ आपका जिसके ऊपर आपका एड्रेस मेंशन है, यानी कि आप कह सकते हो कि एड्रेस प्रूफ, जैसे कि लाइसेंस हो सकता है आपका, पासपोर्ट हो सकता है आपका, है ना, वोटर आई कार्ड हो सकता है आपका। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप लगाओगे। और ईमेल एड्रेस चाहिए आपका अगर आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर रहे हो तो। ऑफलाइन ज्वाइनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आपको OTP आता है ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करते हो तो, OTP आता है आपको ज्वाइनिंग के लिए, आपको ईमेल के ऊपर भी और आपके मोबाइल के ऊपर भी, तो वो OTP ज़रूरी होता है अगर आपने ज्वाइन करना है तो। इसके साथ साथ आपके पास जो है मनी होनी चाहिए प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए। रजिस्ट्रेशन वैसे आप फ्री कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा तभी है अगर कोई आप प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो तो, नहीं तो फिर कुछ देर के बाद आपकी जो आईडी है वो इनएक्टिव हो जाएगी, यानी कि वो वैलिड ही नहीं रहेगी वो। तो कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए ये, जैसे कि मिनिमम जो वैसे रिक्वायरमेंट है वो 1000 है, लेकिन बेटर ये होता है कि आप 2cc के साथ ही ज्वाइन करो, क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं 2cc के साथ ज्वाइन करने पे। लेकिन अगर आप इमिजिएटली 2cc नहीं करना चाहते तो मिनिमम 5000 के साथ तो ज़रूर आप जो है वो ज्वाइनिंग करो, क्योंकि तभी आपको एज अ बिजनेस पर्सन माना जाएगा। यानी कि उससे पहले अगर आप 5000 से भी कम ही करते हो, लेट्स से आप 2000 3000 के 4000 के प्रोडक्ट्स बाय करते हो, तो वो आप सिर्फ एज अ कस्टमर ही हो, एक तरह के प्रेफर्ड कस्टमर कहते हैं उसको। हालांकि 5000 के साथ ज्वाइनिंग करने पे भी आप प्रेफर्ड कस्टमर ही रहते हो, लेकिन फिर भी आपको एक पावर मिल जाती है कि अगर आप किसी और को ज्वाइन करवाना चाहो तो आप करवा सकते हो, है ना। तो अगर आप बिजनेस के पर्पज़ के लिए आ रहे हो तो बेटर है कि आप ये 5000 की मिनिमम बिलिंग ज़रूर करो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि 2cc के साथ ही ज्वाइन करो। 2cc करने के भी अलग अलग वेज हैं, आप एज अ किट भी, जो स्टार्टर किट है उसके साथ भी कर सकते हो, उसमें आपको 1.5cc के साथ ही आपका ES जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वो अलग चैप्टर है। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ कि क्या क्या आपको चाहिए होता है। मैं समझता हूँ आजकल मोस्टली जो ज्वाइनिंग्स हैं वो ऑनलाइन ही होती हैं, ऑफलाइन रेयरली शायद कोई फॉर्म्स सबमिट होते होंगे। ऑफलाइन में आपको ईमेल एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो कंपनी की ऐप है माई फॉरएवर इंडिया, आप वहाँ पे जाके भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो ऑनलाइन ज्वाइनिंग। तो उसके लिए आपको आप खुद भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो स्पॉन्सर आईडी आपको चाहिए होगा, या आप जिसके साथ भी ज्वाइनिंग की प्लानिंग कर रहे हैं आप उसको कह सकते हैं कि वो आपको ज्वाइनिंग का लिंक शेयर कर दे, और वो उस लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक कुछ जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि इस टाइप का लिंक होता है, आप उसको चेक कर सकते हो जाके। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी वैसे कोई डिमांड करता है कि जी 2000 चाहिए, जी 3000 चाहिए, रजिस्ट्रेशन फीस है ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो भी पे करोगे उसके अगेंस्ट आपको प्रोडक्ट, यानी कि आप प्रोडक्ट ही बाय करोगे एक्चुअली, यानी कि आप प्रोडक्ट की ही कीमत पे करोगे। बस यही रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही था बस छोटा सा वीडियो। आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई, मैंने सब कुछ आई होप कि कवर कर ही दिया। जो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।